हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू रोज़ गार्डन फॉर रोज़ फेस्टिवल, बिकॉज यहाँ पर हर साल रोज़ फेस्टिवल लगता है तो काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। सबसे पहले हम रोज़ गार्डन के जस्ट सामने 10 सेक्टर है उस पार्क में भी एक कार्निवल लगा था, वहाँ गए और वहाँ पर अलग अलग तरह के झूले थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। गैस मुझे सबसे ख़तरनाक ये झूला लगा। गैस ये झूला जो था वो 90 डिग्री जाके रुक जा रहा था और फिर से वो रिपीट कर रहा था। इट्स वेरी डेंजरस। गाइस इस साइड हमने झूला वगैरह देखा और उसके बाद हम रोज़ गार्डन में एंटर हुए। बहुत ज़्यादा प्रीटी से सजा रखा था और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश था। और फ्रेंड्स यहाँ पर स्केच भी बना रहे थे जो ओनली 50 रुपीज़ का था और ये देखने में काफ़ी रियल लग रहे थे। फिर हम आगे आए और हमने यहाँ पर कठपुतली देखी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा रोज़ गार्डन सजा हुआ था और काफ़ी सारे यहाँ पर रोज़ थे अलग अलग वैरायटी के। फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स भी लगे हुए थे जिसमें गाइस वो होममेड चीज़ें भी बेच रहे थे और यहाँ पे फूड स्टॉल भी था। इसके साथ गाइस यहाँ पर डीजे वगैरह भी लगा हुआ था जहाँ पर लोग जाकर डांस कर रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ पर शाम का जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और देखने वाला होता है। शाम के टाइम पर यहाँ पर सिंगर भी आते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं तो एक ना एक बार आपको यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना चाहिए। और गाइस मोस्टली रोज़ फेस्टिवल पर ज़्यादा अच्छा व्यू होता है यहाँ पर देखने वाला, तो आप उस टाइम पर आकर आप इंजॉय कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।